أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في علمنا اللهم بارك لنا في عملنا آمين يا رب العالمين रहमतुल्लाहि व वरक़ नाजरीन आज अदब आदाब में हम हसन अखलाक के जिस मौजू पर बातचीत करेंगे वो है अमानत अमानत से क्या मुराद है और अमानत का फ़ायदा क्या है और अमानत ना होने का नुकसान क्या है तो आइए देखते हैं कि अमानत क्या चीज़ है देखिए अमानत हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका मालिक कोई और है हम नहीं है और वो चीज़ बतौर अमानत हिफाजत के लिए कुछ अरसे के लिए टैम्प्ररी आर्जी तौर पर हमारे पास रखवाई गई है और जब वो मालिक डिमांड करेगा वो अपनी चीज़ वापस मांगेगा उसको वापस लौटानी होगी इस चीज़ को कहते हैं अमानत इसकी अहमियत क्या है मिसाल के तौर पे किसी ने हमारे पास पचास रुपए रखे अब जब वो मांगता है वापस तो हम उसे सिर्फ बीस रुपए ही दें और या हम कहें कि अरे तुम तो ले चुके थे तो हम उसको कुछ भी ना लौटाएं ये सारी चीज़ें अमानत में खयानत कहलाती हैं और अमानत दारी सिर्फ रुपए पैसे से इसका ताल्लुक नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं हुकूक अल्लाह और हक़ लिबाद ये दो मेन फ़राइज़ हैं जो अल्लाह सुबहान हमारे और आपके ऊपर रखे हैं हुकूक अल्लाह में ख़यानत किस तरह की जाती है देखिए हुकूक अल्लाह में नमाज़ अगर हम पढ़ें और जल्दी 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 सजदा किया और खड़े हो गए तो इसको कहा जाता है खयानत क्यों क्योंकि हमने पूरे अरकान सही तौर पे सुन्नत के तरीक़े पे अदा ही नहीं किए और इसी तरह बाज़ लोग तो खैर नमाज से ही बेबहरा हैं तो ऐसी सूरत में हुकूक अल्लाह का में उन्होंने तो, टो, टोटली हंड्रेड परसेंट फिर खयानत की ले बाद में किस चीज़ को कहते हैं अमानत तारी और किस चीज़ को कहते हैं खयानत यानी अगर हमार हम कोई जॉब कर रहे हैं किसी आ, प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है उसमें लाजमी है कि हम बेहतरीन सलाहियतें अपनी इस्तेमाल करें उस वक्त में जो वक्त हमें वहाँ देने के लिए है और हम अगर उस वक्त में तनख्वाह तो पूरी ले रहे हैं और हम अपने प्राइवेट काम करते रहें या मिसाल के तौर पे हम कुछ ना करना चाहें हम कर सकते हैं बेहतरीन काम लेकिन हम ऐसी जाएं और अपनी वक्त गुजारी करके आ जाएं यह सब ख़यानत में शामिल होता है इसी तरीके से अल्लाह सुबहान ताली की दी हुई जितनी नेमतें हैं बीनाई गोयाई जहन सेहत चलने फिरने की ताकत जो कुछ अल्लाह सुबहान ताली ने हम पे नमतें दी हैं उन नमतों का सही इस्तेमाल ना करना ये भी खयानत में शामिल होता है ये भी अमानत दारी के ख़िलाफ़ है क्यों क्योंकि अल्लाह सुबहान ताली ने यह सब कुछ जो नेमतें हमें अता फ़रमाई हैं इसका एक मकसद है ये यूँ ही हमें नहीं दे दी गई हैं हम और आप सब एक इम्तहान के हॉल में बैठे हैं और अल्लाह ताला ने हमें पेपर पेंसिल समझिए कि सब कुछ मुहैया कर दिया जो हमारी ज़रूरियात हैं कि अब इम्तहान का पर्चा हल करो इसी तरीके से हमारी ये ज़िंदगी है इस ज़िंदगी में जो कुछ हमारे साथ पेश आता है वो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे इम्तहान के सवाल हैं और अब देखना ये अल्लाह ताला को कि हमारा रवैया क्या होगा क्या हम रोएंगे गाएंगे, शिकायतें करेंगे और बुरा रवैया अख्तियार करेंगे लोगों के ऊपर ब्लेम डालेंगे या हम सब्र शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला ने हमें इन इस चीज़ के लिए सारे रिसोर्स इनायत फ़रमा दिए हमारे पास बीनाई है ज़बान है जहन है सलाहियतें हैं है कि हम अल्लाह की इन चीज़ों का अब अल्लाह ताला देखेंगे कि हम इस्तेमाल करते किस तरह हैं क्या हम वक्त ज़ाया कर देते हैं क्या हम इन रिसोर्स को ज़ाया कर देते हैं या हम इन रिसोर्स को इन चीज़ों को जो अल्लाह ने हमें नमतें दी हैं उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे रबराजी हो जाए मिसाल के तौर पे अगर दौलत से अल्लाह ताला ने किसी को नवाज़ा है तो क्या वो थोड़ी सी उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल करता है कि जिनके पास इतना सब कुछ नहीं है अगर अल्लाह ने हमें वक्त कि दौलत अता फरमाई है हमारे पास फ़रागत का वक्त है हम उस फरागत के वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं क्या सोस हो के ज़ाया कर देते हैं या टी वी देख के और बस इधर उधर की बातें करके और उसमें अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं या हम उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं किसी का कोई काम है उसका काम कर देते हैं कोई दुखी है उसकी दिलजोई कर देते हैं चार हमदर्दी के अल्फ़ बोल देते हैं तो ये सारी चीज़ें अमानत में शामिल हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं या अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं इसका भी हमसे सवाल होगा अल्लाह सुबहान फरमाया है कि यौम इस दिन अल्लाह सुबहानु उस दिन हमसे पूछेंगे नमतों के बारे में सवाल करेंगे तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताली मैंने तो सो के ही सारा वक्त गंवा दिया या आपकी दौलत बस खुद खा के और लग्जरी में और आसाइशों में ज़िंदगी गुजार के मैंने गंवा इसी तरह औलाद हम औलाद को ये ना समझें कि ये मेरी अपनी है ये भी अमानत है क्योंकि उसका मालिक अल्लाह सुबहान इसी तरह हमारे वालदेन भाई बहन दीगर रिश्तेदार सब अल्लाह हमें उनके जरिए आजमा रहे हैं कि जो हम पे फरज़ हैं जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हम कितने एहसन तरीके से अदा कर रहे हैं तो हमारा कौल फेल हमारी सोचें हमारा अकीदा यह सब अमानत है और इसके ऊपर हमसे सवाल किया जाएगा तो अल्लाह सुबहान मालिक है इन सब चीज़ों का जब वो वापस मांगेगा हमारी ज़िंदगी को भी वो वाह हम वापस चले जाएंगे अल्लाह अगर हमारी सेहत को ले लेता है हम शिकायत करने का हक़ नहीं रखते दिया जिसका है वो जब चाहे उस चीज़ को वापस ले ले। तो मैं और आप सिर्फ़ अमीन हैं इन चीज़ों के अमानत दार हैं ख़ानत का मतलब क्या है ख़ानत का मतलब है नुकसान देना या कमी करना मिसाल के तौर पे हम अपनी जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं उनका सही इस्तेमाल ना करें तो फिर हम अमानत में खयानत कर रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब क्या था याद है आपको और ये कब उनको लक़ब दिया गया था नबूवत से भी पहले यानी आपका किरदार ऐसा था कि लोग आपको असाद वालमीन के नाम से जानते थे यानी कोई अमानत उनके पास रखी उन अब वो बेफ़िक्र हो गए कि हमने तो अलमीन के पास रखी है सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हमारी अमानत वो पूरी ना लौटाएँ और हम क्या करते हैं किसी ने हमारे पास किताब अगर रख दी अमानत हम उसको पेजेस को ख़राब करते हैं उस पर लिख लिखा के और उसकी हुलिया बिगाड़ के आखिर वापस करते हैं तो ये अमानत दारी ना हुई ये ख़यानत हुई इसी तरीके से लोग किसी के घर में बतौर किराएदार आते हैं और फिर क्या करते हैं कब्जा कर लेते हैं तो ये भी अमानत में खयानत है बाज़ लोग छो, घर छोड़ते वक्त किराए का घर छोड़ते वक्त क्या करते हैं कि उसकी जितनी अच्छी अच्छी फ़िटिंग्स हैं सब निकाल के और सस्ती सस्ती फ़िटिंग्स लगा देते हैं क्या ये अमानत में ख़यानत नहीं है ये सब तरीक़े हैं अमानत में खयानत के तो रसूल अल्लाह सल वसलम की सुनत से हमें क्या पता चलता है कि वो असाद और अलमीन थे यानी अमानत दार थे जबरीलम का क्या लकब दिया अल्ला ने जबरील अमीन यानी जो अल्लाह ने उनको कलाम अपना दिया वो पूरे का पूरा बगैर किसी चेंज के आप अलैहि वसल्लम के दिल में उतार दिया उन्होंने इसी तरह एक मर्तबा आप अलैहि वसल्लम साहबा कराम की मजलिस में बैठे हुए थे कि एक वफ़ आया और उन्होंने आप सल वम से कहा कि आप हमारे साथ कोई अपना ऐसा शख्स भेजें कि ज़कवा़त वगैरह क्लेक्ट कर सके और वह अमानत होना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें अपना अमीन वुम्मत देता हूँ अपना सबसे अमानत दार आदमी देता हूँ जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई जितने सहाब कराम थे सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ देखने लगे कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लें उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया खड़े हो जाइए अबू वैदा इब्ने जर्राह तो अबू बैदा इब्न जर्राह रदी अन हो अमीन का ख़िता उनको मिला और हम देखते हैं उनकी अमानत दारी का हाल कि जो ड्यूटी उनको सौंप दी गई वो उन्होंने अपनी पूरी दयानत दारी के साथ सर अंजाम दी यहाँ तक कि एक मरतबा और उमर रदी उन उनसे बेहद मोहब्बत करते थे उमर रदी की खिलाफत के ज़माने में उनको एक जगह जहाद एक जगह जंग पे भेजा गया आ, इस्लाम फैलाने के लिए और वहाँ ताउन की बीमारी फैल गई उमर रदील्ला उन्होंने को पता चला तो उन्होंने ख़त भेजा अबू अबूबैदा के नाम कि ये ख़त मिलते ही आप फ़ौन वापस आइए अबू बैदा अल्लाह उन्होंने जब वो ख़त पढ़ा तो उन्होंने उसके जवाब में लिखा कि मैं जानता हूँ कि अमीरुल अमीरमिन मुझे क्यों फ़ौर बुला रहे हैं लेकिन मैं अपने सिपाहियों को इस हाल में यहाँ छोड़ नहीं जा सकता मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ फरमा देंगे अबू बैदा इब्ने जर्राह अपनी ही फ़ौज के साथ रहे और उसी में ताउन की बीमारी फिर उनको भी हुई लग गई और उनको इसी तरह शहादत नसीब हुई तो ये थे अबू अबूबेदा इबन जर्राह दारी जो कि एक बहुत ब्रॉड टर्म है इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं तो हम ये देखते हैं कि अमानत दारी के बारे में हमारे दीन के क्या अहकाम हैं क़ल अल्लाह अन इला आहलिहा। अल्लाह सुबहान इरशाद है कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो इस बात का मतलब क्या है समझे हम अमानत अगर किसी ने हमारे पास रखी है तो वो तो हम सब आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि वो उस शख्स को लौटाना है जिसकी वो अमानत है जब वो हमसे डिमांड करता है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है अगर हम किसी को कोई नौकरी दे रहे हैं अगर हम अल्लाह ने हमें ऐसी कोई पोजीशन दी है कि हम किसी को एक जॉब पे तयन कर रहे हैं अब इसकी डिमांड क्या है अमानत की कि जॉब उसी शख्स को दी जाए जो उसका अहल है ये मतलब है शायद का कि हम अहल को ही वो जॉब उसके सुपुर्द करें हम ये ना करें कि फ़लाना मेरा भाई है और रिश्तेदार है या दोस्त है तो चलो उसको रख लेते हैं क्योंकि ख़राबियाँ फिर वहीं से जन्म लेती हैं जिसको हम इंग्लिश में नेपटिज़म कहते हैं कि हम अपनी दोस्तियाँ निभाने के चक्कर में हम गलत लोगों को जॉब दे देते हैं तो इसलिए हम सबको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है सही बुखारी की हदीस है ने फ़रमाया कि जब अमानत गुम हो जाए यानी जब आ आप अथॉरिटी यानी आप पोजीशंस और आप अपने इकतदार ऐसे लोगों को दें कि जो उसके अहल ना हो तो फिर कयामत का इंतज़ार करो मकसद इस बात का क्या है कि कयामत के क़ुरब की एक निशानी ये भी है कि ऐसे शख्स को जिम्मेदार बनाया जाएगा जो उस जिम्मेदारी का अहल ही ना हो हम ये देखते हैं कुरान पाक से ही हमें पता चलता है सूरत नमल आयत नंबर थर्टी नाइन में कि जब सुलेमान सलाम ने हुक्म जारी किया कि क्वीन ऑफ शीबा मल्क सबा का तख्त मेरे पास ला के हाजिर किया जाए तो जिनों में से एक जिन ने क्या कहाला इफरीत मिनल जिन्नी अनाती कभी ही क़िलाानतकूमा क़बलांतकूमा में मकामिक वन्नी अलई ही लवियम जिन ने कहा एक ज़बरदस्त जिन ने जवाब दिया सुलेमान सलाम को कि मैं आपके लिए वो ला सकता हूँ इससे पेशतर कि आप अपनी तख से उठें यानी इतनी जल्दी मैं ये काम करने का हल हूँ और मैं ताकतवर हूँ और मैं अमानतदार हूँ इस काम के लिए ताकत से मुराद क्या है कि कोई भी जॉब हम किसी को देते हैं उसमें क्या वो सलाहियत है क्या वो ये ज़िम्मेदारी उठा सकता है तो ही उसके सुपुर्द वह जॉब की जाए और दूसरी चीज़ देखने की क्या है कि क्या वो अमानत दार है इस जॉब के लिए हम उमूम जब लोगों को देखते हैं तो हम उनका सी वी एग्ज़ामिन करते हैं अब सी वी से हमें क्या पता चलता है अच्छा ये ये डिग्री है ये ये एक्सपीरियंस है ये सब कुछ इसमें ख़ूबियाँ हैं तो लिहाजा ये इस जॉब के लिए फ़िट है क्या चीज़ हम भूल जाते हैं क्या ये अमानत दार है और वो हमें कहाँ से पता चलेगा जहाँ उसने पहले जॉब की शायद वो लोग हमें इस बात को बता सकें तो कोई भी ज़िम्मेदारी वाला देने से पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि हम किसके सुपुर्द कर रहे हैं ये जिम्मेदारी क्योंकि इसकी भी हमसे पूछ होगी ये भी हमारे ऊपर अमानत है कौल या अय्यू अल्लीना आमनु लातखून अल्लाह व रसूल व त खून अल्लाह सुबहान व फरमाते हैं सूरा अलफाल आयत नंबर ट्वेंटी सेवन अल्लाह तरशाद है ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल सल अल्लाह वसलम के साथ खयानत ना करो और तुम अपनी अमानतों में गद्दारी के मरतकब होते हो हालांकि तुम जानते हो यानी जानते बूझते तुम खयानत ना किया करो कोई गलती हो जाए कमी कोताही हो जाए हम भूल जाएं तो वो तो माफी है अल्लाह की तरफ से लेकिन हम जान रहे हैं एक बात को और फिर भी हम खयानत कर रहे हैं बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह और उसके रसूल से किस तरह खयानत की जाती है कि उनके अहकाम में कोताही करना अल्लाह के अहकाम में कोताही करना और आप सल्ला वसलम की सुन्नत में कोताही करना उसको फॉलो करने में तो हुकूक अल्लाह और हकूक लिबाद दोनों तरह की अमानतें हमारे और आपके ऊपर हैं और अगर हम इसमें कमी को ताही करेंगे तो यही ख़यानत में शामिल है अल्लाह सुबहान फ्रॉड करने वाले खयानत करने वालों से कोई मोहब्बत नहीं करते कौल अ त्लाब्वाइन सुरालफ़ाल आयत नंबर फ़िफ्टी एट अल्लाह तरशाद है बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है ये ज़िंदगी एक इम्तहान है हमें किस चीज़ के ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत है किस चीज़ को हर वक्त याद रखने की ज़रूरत है कि हम जो भी अमल कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा आखरत में यानी उसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा होगा अल्लाह सुबहान फ़रमाते हैं सूरा नंबर तीन आयत वन एटी फ़ाइव में वमल हयात दुनिया अ मता कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये तो महज़ एक धोखे का सामान है यानी हम जो कुछ देख रहे हैं हमें यूँ लगता है कि हम हमेशा इस दुनिया में रहेंगे ऐसे ही सेहतमंद ऐसे ही खुश व इसी तरीके से दौलत में खेलते कभी हमारी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होगी यही तो धोखा है ज़िंदगी का अमान दारी ईमान की निशानी है रसूल सल्हसम ने फरमाया लाईमाना लिमन ला अमान तहु वीना लिमन लाआ दलहू रवाबन रवाबन हिब्बान रसूल वसल्लम ने फ़रमाया कि उसमें ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं और उसका दीन नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं और हम अपने अहद अपने कमिटमेंट्स अपने प्रामिसज का कितना ख्याल रखते हैं कह दिया कि मैं कल आऊँगी और फिर नहीं गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दूसरा चाहे इंतज़ार कराओ चाहे उसने कोई मज़े मज़े की चीज़ें बना के रखी हो हमें कोई परवाह नहीं ना टेलीफ़ोन करेंगे ना माजरत करेंगे और अगर ड्यूटी में हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें परवाह ही नहीं गए गए नहीं गए नहीं गए तो यही किस चीज़ की निशानी है रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया ऐसे शख्स का दीन ही नहीं जिसमें अपने अहद का पास नहीं और ऐसे शख़्स का ईमान ही नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं रसूल्ला सल्ला वसम ने फरमाया कि मुनाफे की तीन निशानियां हैं वो जब बात करता है झूठ बोलता है जब वो वादा करता है वादा खिलाफी करता है और जब कोई चीज़ अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत करता है हम सबको देखने की ज़रूरत है ऐसा तो नहीं कि इनमें से कोई एक चीज़ भी मेरे अंदर मौजूद हो क्योंकि मुनाफिक का अंजाम क्या है अल्लाह सुबहान सुबहान तला ने क्या फरमाया अल्लाह सुबहान फरमाया मुनाफिक का ठिकाना क्या है फिदर किल असफली मिन यानी आग के सबसे निचले घड़े में मुनाफिक का ठिकाना है अगर कोई हमारे साथ चीटिंग करे हमारे साथ धोखाबाजी करे तो क्या हमें हक़ है कि हम भी उसके साथ धोखाबाजी करें क्योंकि लोगों का अक्सर जवाब यही पेश करते हैं कि उसने भी तो मेरे साथ ऐसा किया लिहाजा मैं भी उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ रसूल अल्लाह वसलम ने फरमाया अदिलमानती इलामन इलामन तमन का वला तखुन मन ख़ौन का आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये अबू दाऊद की रवायत में से है सैदा अबू हुरैरा रदी अन्न्हों से रवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसकी अमानत अदा करो और जिसने तुमसे खयानत की है उससे खयानत ना करो यानी अगर उसने खयानत की वो खुद जवाब दे अल्लाह के आगे लेकिन हमें इजाज़त नहीं है कि हम किसी के साथ भी खयानत करें कोई हमारे साथ बुरा करे हमें इजाज़त नहीं है उसके साथ बुरा करने की आपने शायद पुले सरात का तो सबको मालूम है पुले सरात क्या है जिसपे से हर शख्स को हमें से गुजरना होगा और उस पर कांटे हैं जो पकड़ पकड़ के लोगों को नीचे फेंकेंगे नीचे क्या है जहन्नम की दह, दहकती आग और हर शख्स को उस पर से गुज़रना होगा एक तरफ अमानत खड़ी होगी और एक तरफ रहम खड़ा होगा और दोनों अपना हक़ मांगेंगे यानी रहम के रिश्ते यानी खूनी रिश्तों में अगर हमने उनका हक नहीं दिया किसी को भी तो वो हमसे अपना हक़ छीनेगा इसकी इजाज़त अल्लाह ने उसको दी हुई है और क्या छीनेगा उस वक्त हमारे पास देने के लिए होगा क्या सिर्फ नेकियां तो नेकियां सब ले जाएगा और दूसरी तरफ अमानत खड़ी होगी यानी जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं रिश्तों में या जॉब में या अल्लाह के हक़क़ में किसी भी चीज़ में जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं या एक दूसरे लोगों के साथ जिम्मेदारियां हैं और वो हमने हक़ अदा नहीं किया तो वो हमसे अपना हक उस दिन छीन लेगा जबकि हम सबसे ज़्यादा हाजतमंद होंगे और जब हमारी नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी फिर क्या होगा फिर उन लोगों के जो बदाम थे जो गुनाह थे उसकी सज़ाएँ हमारे ऊपर लोड कर दी जाएंगी। ने कुछ लोग कोई चीज अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है अगर सारे लोग उसे इस्तेमाल करने का हक रखते हैं और हम जाएं और उसकी कोई चीज अपने लिए ले आए तो ऐसे शख्स को क्यामत के दिन आग में जलाया जाएगा और हम सब अपना जायज़ा लें कि हम क्या ही करते हैं हम जॉब पे जाते हैं अगर कलम वहाँ हमें लिखने के लिए दिया गया हम उसको आराम से अपनी जेब में डाल के घर आ जाते हैं अपना पर्सनल काम उससे करते हैं या किसी अगर जॉब में कार दी गई तो वो किस लिए दी गई है कि हम दफ्तरी काम उससे अंजाम दें लेकिन बाज़ात लोग क्या करते हैं कि उसको हमेशा के लिए अपना लेते हैं या कोई भी और चीज़ या वक्त जो वक्त हमें काम का दिया गया उस वक्त को हम अपने पर्सनल कामों में इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये सब चीज़ों का हमें अल्लाह से अल्लाह के आगे जवाब देना होगा अल्लाह सुबहान व ने मोमिनों के साथ एक बिजनेस डील की है जो क़ुरान पाक में फरमाया फ़रमायाशतरा मिनल मिनना अनफु व अम वह भी अनहुम्ल बेशक अल्लाह ताला ने ममिन से ख़रीद ली उनकी जाने और उनका माल इसके बदले में कि उनके लिए जन्त है यानी जन्नत के का प्राइस हमें जन्नत की कीमत क्या देनी होगी कि हमारी जाने और हमारा माल यानी जो कुछ हमारे पास है सब इस तरह इस्तेमाल किया जाए जो रब ने हुक्म दिया है और इस तरह ना इस्तेमाल किया जाए जो मैं चाहती हूँ तो अल्लाह सुबहान व ताली ने हम पे ये सारी अमानतें रखी हैं निका अक़द निकाह भी एक अमानत है हमारी नौकरियाँ अमानत हैं हमारी औलाद अमानत है हमारी, हमारी दौलत जो कुछ हमारे पास है सब अमानत है लोगों के साथ मिलना जुलना ये भी अमानत है इसी तरह लोगों के राज भी अमानत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई शख्स तुमसे कोई बात कहे और फिर वो इधर उधर देखे तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है इधर उधर देखने का मतलब क्या है कि वो नहीं चाहता कि किसी और को ये पता चले लिहाजा दीन हमें क्या सिखाता है कि हम सिर्फ अल्फाज पे ना जाएं बल्कि फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के तसर बॉडी लैंग्वेज उससे भी अंदाज़ा लगाएं क्योंकि अमानत इतनी भारी ड्यूटी है हमारे ऊपर इतना भारी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम इस अमानत में ख़यानत ना करें हर ज़िम्मेदारी अमानत है आपने देखा कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी रखी है रिश्ते रखे हैं नेमतें दी हैं हर चीज़ हमारे ऊपर अमानत है ये ज़िंदगी ही अमानत है हमारी हर कोताही और हमारी हर बेईमानी को लिखा जा रहा है हाजिर बाश फरिश्ते हर वक्त मौजूद हैं और कयामत के दिन हमें ये वीडियो दिखाया जाएगा कि ये तुम ही थे ना जो ये काम कर रहे थे और ये बात बोल रहे थे और यहाँ ये कोताही तुमने की और यहाँ तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो आइए अल्लाह सुबहानु से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहानु हमें अपनी हर जिम्मेदारी को बहुसन ख़ूबी अदा करने की तोफ़ी नायत फरमाए इसी दुआ पे आज का हम ये डिस्कशन ख़त्म करते हैं आमीन या रबालमीन रब्बना तकबल मन्ना कांत समीम व तुबालना कांत तवाबरहीम सुबह का नबि हमदिका अशहद इला अल्लाता अस्त फिर वाह तुबिल आमीन या रबालमीन अल्लाम वरम् वबरक़